अब देखो बच्चों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है नाइट्रो एल्केन्स। ओके, तो इस टॉपिक में हम एक तो नाइट्रो एल्केन्स होते क्या है, इनकी प्रिपरेशन मेथड्स कौन कौन सी हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहां पर मैंने डेफिनेशन ली है, तो देखो जो एल्केन्स होते हैं, ओके, एल्केन के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन जब नाइट्रो ग्रुप से किया जाए और नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन डायरेक्ट एल्काइन ग्रुप से अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है बच्चों क्या, नाइट्रो एल्केन। जैसे ये लिखा है CH3NO2, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रो मिथेन। आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट कार्बन से बॉन्डेड होता है, मींस एल्काइल ग्रुप के कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन बॉन्डेड है, तो ऐसे कंपाउंड्स बोले जाते हैं नाइट्रो एल्केन्स। ये जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं इनके आइसोमर है एल्काइल नाइट्राइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो नाइट्रो एल्केन्स है उनमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप के कार्बन से अटैच होता है, जबकि एल्काइल नाइट्राइड जो है इसमें एल्काइल ग्रुप से नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन अटैच होता है डायरेक्ट। तो ये जो है कंपाउंड, इनको बोला जाता है एल्काइल नाइट्राइड और इनको बोला जाता है नाइट्रो एल्केन। अब यहां आ जाए, जो नाइट्रो एल्केन है चाहे वो सिंपल नेम ले और चाहे इनका IUPAC नेम ले, दोनों सेम है नाइट्रो एल्केन, मींस नाइट्रो ग्रुप लिखे और जो ये एल्काइल ग्रुप है इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एल्केन होगा, उसी बेस पर इसका IUPAC नेम होगा। पहले मैं इनके टाइप्स भी बता दूं, फिर एक एग्जांपल से बता दूं। जैसे ये टाइप्स में देखोगे ये 3 टाइप्स के होते हैं, समझ गए बच्चों कैसे होते हैं 3 टाइप्स। एक तो होते हैं 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स मींस नाइट्रो ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच होता है सीधा, जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं। 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, ये कौन सा है 2 डिग्री कार्बन, जैसे कि 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स 3 डिग्री कार्बन से नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है। ओके, यहां तक आप समझ गए। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे लिखा CH3CH2NO, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, अभी मैंने आपको IUPAC नेम बताया, नाइट्रो लिखे, फिर टोटल कार्बन देखें कितने एटम्स हैं उस एल्काइल ग्रुप में, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एल्केन होता है उसका नेम लिखते हैं, क्या हो जाएगा नाइट्रो इथेन। यहां पर चले जाए कुल मिला के 3 कार्बन एटम्स की चेन है, ये एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी कार्बन मीन्स जो दूसरे नंबर का कार्बन है उसमें अटैच है, तो हम लिखेंगे 2 नाइट्रो प्रोपेन। 2 बताता है कि 2 सेकेंड नंबर के कार्बन से नाइट्रो ग्रुप अटैच है। यहां देखो आप, ये 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन का एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं, तो 2 मिथाइल 2 नाइट्रो और टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों 3, तो क्या हो गया प्रोपेन। यहां तक समझ गए। और जो एल्काइल नाइट्राइट है यही इनका सिंपल नेम भी है और यही इनका IUPAC नेम है, जैसे कि ये लिखा है CH3CH2ONO, तो हम इसे क्या बोलेंगे इथाइल नाइट्राइट। ऐसे ही अगर आप एरोमेटिक नाइट्रो एल्केन्स एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करें तो हम एक ही कंपाउंड को वहां पर डिस्कस करेंगे और वो होगा नाइट्रो बेंजीन। जो एरोमेटिक है ये सब क्या है बच्चों एलिफैटिक, एरोमेटिक में आप देखोगे जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हमें लेने हैं, समझ गए बच्चों, तो वो कंपाउंड्स जो होंगे हमारे उसमें हम लेंगे किसको नाइट्रो बेंजीन NO2। ओके, ये है हमारा क्या नाइट्रो बेंजीन, इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो हम यहां पर एलिफैटिक नाइट्रो जो हमारे पास कंपाउंड्स है मींस नाइट्रो एल्केन्स उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, और एरोमेटिक मींस नाइट्रो बेंजीन इसकी
प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे नाइट्रो एल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम जो भी इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जिनसे नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे भी हम देख चुके हैं, आपने देखा नाइट्रो एल्केन्स की प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड्स में, वहां पर भी आई थी एक जगह। एल्केन्स के नाइट्रेशन या एल्केन का जो एल्केन है उसकी नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन होती है वहां पर भी क्या बनते हैं, नाइट्रो एल्केन्स। तो हम यहां पर लेते हैं प्रिपरेशन। तो देखो बच्चों, प्रिपरेशन में सबसे पहला है फ्रॉम हेलो एल्केन, समझ गए ना, हेलो एल्केन मींस एल्काइल हैलाइड। तो देखो यहां पर कि यहां हम लें Rx, यहां ध्यान रखें कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स कैन बी होम। देखो यहां पर है, सपोज हम ले लेते हैं RCH2X और यहां पर रिएक्शन है AgNO2। ओके, AgNO2 में यहां पर आप जब रिएक्शन देखोगे तो ये किससे होगी, तो ये नाइट्रोजन के थ्रू होती है, ये इधर ये इधर, ये बन जाएगा RCH2NO2। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ऐसे में ये NO2 को फ्री नहीं करता, तो इसके नाइट्रोजन के थ्रू X का क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन होता है और इस तरह से हमारे पास मिलेगा RCH2NO2। दूसरा देखते हैं, ये रिएक्शन समझ लो ना कैसे है, यहाँ पर AgON(OH)1 तो ये अटैक करता है और ये यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक, 2 डिग्री बनाना है तो हम 2 डिग्री हैलाइड ले और उसकी रिएक्शन AgNO2 से ले तो बन जाएगा R2CHNO2। जस्ट ऐसा ही Rx प्लस AgNO2 क्या बन जाएगा, R3CNO2। ओके, कि जो एल्काइल हैलाइड्स हैं इनकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से करा दी जाए, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड, तो बनते हैं नाइट्रो एल्केन। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगे तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 2 डिग्री लोगे तो 2 डिग्री, 3 डिग्री लोगे एल्काइल हैलाइड तो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। लेकिन यही रिएक्शन जैसे कि हम RCH2X प्लस KNO2 से लें तो ध्यान रखें कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है और ऐसे में ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करता है और यहां पर बन जाएगा RONO प्लस KX, समझ गए ना, ये क्या बन गया, एल्काइल नाइट्राइट। तो पोटेशियम नाइट्राइट इससे रिएक्शन कराओगे हेलो एल्केन्स की तो आपको मिलेंगे एल्काइल नाइट्राइट, और जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं सपोज तो हमें मिलते हैं नाइट्रो एल्केन। यहां लिखा है और आपको यहां मिल दिया जाए AgNO2 तो आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे, CH2NO2 मेजर प्रोडक्ट, और यहां KNO2 लिखा है तो आप लिखेंगे CH3CH2ONO। ध्यान रखें कि मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा बनता नहीं, माइनर भी बनता है, लेकिन यही मेजर इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये एल्काइल हैलाइड से नाइट्रो एल्केन की प्रिपरेशन बताई गई है। ऐसा ही आप चले जाए फ्रॉम एल्केन्स, इससे आ जाते हैं दूसरा है फ्रॉम एल्केन। आपको मैंने एल्केन्स चैप्टर में जो है बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल नाइट्रेशन, कि अगर हम यहां पर कोई भी एल्केन लेते हैं CH3CH2CH3+HONO2 हाई टेम्परेचर रखते हैं। ओके, तो लोअर जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो हाई टेम्परेचर लगता है बच्चों, तो यहां से जो हाइड्रोजन है इनका सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब हम यहां ऐसा ले सकते हैं मींस ये है H तो यहां से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से यहां से भी रिमूव हो सकता है तो CH3CH2 और यहाँ आ जाएगा CH2NO2, एक तो ये प्रोडक्ट हो सकता है CH3CH NO2 CH3, तो यहाँ पर ये मेजर हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं,
इसके बनने में 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना होगा, इसकी प्रिपरेशन में 2 डिग्री, तो 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, सो दैट ये मेजर हो जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इनमें ये रिंग या जो हम कहें कि जो चेन है ये ब्रेक हो जाती है, तो इस तरह के साइड प्रोडक्ट्स भी पॉसिबल हो जाते हैं। मींस यहां से अगर हम ब्रेक कर दें तो एक मेटल ग्रुप यहां एक यहां, तो इस तरह से अगर हम कोई ऐसा कार्बन एल्केन ले, जैसे कि ये है, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटेन है, या हम ये कहें कि हमारे पास ये एक टर्शियरी हाइड्रोजन वाला एल्केन है और इसकी रिएक्शन इससे ले ले, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, CH3CNO, इस तरह से। तो एक लो टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की जगह बल्कि लो टेम्परेचर लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा, मीन इससे तो कम टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि यहां पर 3 डिग्री एल्केन या फ्री रेडिकल का प्रिपरेशन होगा। ये है सेकंड मेथड जिससे हमें नाइट्रो एल्केन की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रो एल्केन का मिक्सचर बन जाता है जिनका एक दूसरे से सेपरेशन काफी टफ होता है, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है। फिर भी हमें ये देखना है कि कौन कौन सी मेथड्स हैं जिससे हम नाइट्रो एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आ जाते हैं, नेक्स्ट है अल्फा हैलोजन एसिड्स, थर्ड है फ्रॉम अल्फा हैलोजिनेटेड, ठीक है, कार्बोक्साइलिक एसिड्स। अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्साइलिक एसिड्स जो होते हैं बच्चों, मतलब ये है कि अल्फा पोजीशन में, जैसे यहां हैलोजन हो और ये है COOH, इसकी रिएक्शन NaNO2 से सोडियम नाइट्राइड से करा दी जाए, तो ये जो हैलोजन ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूटेड होता है कार्बन, तो बना RCHNO2COOH, और फिर इसको हीट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा RCH2NO2। अब चाहे यहाँ पर आप CH3CHCFCOOH, ये जो कंपाउंड्स होते हैं आपको पता होगा ये किस मेथड से बनते हैं, पहले यहाँ पर HBZ रिएक्शन करा दी जाए, फास्फोरस, रेड फास्फोरस और क्लोरीन की रिएक्शन, तो ये अल्फा हैलोजिनेटेड होते हैं, यहाँ पर X मींस Cl2 हो सकता है Br2। फिर इस तरह से आगे की प्रोसेस से हम नाइट्रो एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो CH3CHNO2COOH और इस तरह से CH3CH2NO2। तो अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक जो एसिड्स हैं उनमें NaNO2 की रिएक्शन से प्रिपेयर्ड होते हैं क्या, नाइट्रो एल्केन। जस्ट ऐसा ही हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, और भी रिएक्शंस हैं, फ्रॉम नाइट्रो एल्कीन्स। देखो बच्चों, नाइट्रो एल्कीन्स मींस CH3CH CH NO2, अनसैचुरेटेड जो एल्कीन्स हैं इनकी रिएक्शन यहां से H2 और यहां पर O, मतलब इसको H2O की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो ये RCHO प्लस CH3NO2, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एल्डिहाइड्स, और इस तरह से यहां पर छोटे नाइट्रो एल्केन्स की प्रिपरेशन होती है। तो इस तरह से हम नाइट्रो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसके थ्रू, एल्केन से हो गया, एल्काइल हैलाइड्स हो गए, ठीक है, अल्फा हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स हो गए, नाइट्रो एल्केन्स। एक और प्रिपरेशन मैं नाइट इसकी और बता देता हूँ, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइड्स कैसे बनते हैं। तो देखो, एक मेथड तो मैंने अभी आपको बता दी कि RX प्लस NaNO2, ओके, तब बनते हैं RONO प्लस NaX। एक तो ये है जिससे क्या बनते हैं, एल्काइल नाइट्राइड। दूसरा होता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स प्लस HONO, एल्कोहल से भी इनका प्रिपरेशन होता है, और RONO प्लस H2O, एल्कोहल के साथ नाइट्रस एसिड को हीट किया जाए तो ये बन जाते हैं क्या, एल्काइल नाइट्राइड, या फिर इनकी रिएक्शन, एल्कोहल्स की रिएक्शन ROH प्लस N2O3 से करा दी जाए
तो बन जाते हैं 2RONO, और देखो क्या बचा, तो आपके पास ऑक्सीजन हो गए कुल मिला के 3, 2, 5, जिनमें से 4 और प्लस यहाँ पर H2। तो इस तरह से एल्काइल नाइट्राइड की प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ तक मैंने आपको नाइट्रो एल्केन्स और एल्काइल नाइट्राइड इनकी प्रिपरेशन बताई, उनको अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नाइट्रो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो सबसे फर्स्ट यहां पर हम देंगे रिडक्शन अपचयन। तो देखो बच्चों, रिडक्शन यहां पर जो नाइट्रो एल्केन्स का है वो टू मीडियम्स में है। देखो सबसे फर्स्ट है इन एसिडिक मीडियम। अगर हम एसिडिक मीडियम लें तो देखो कौन कौन सा एसिडिक मीडियम है, कि यहां पर है RNO2 और यहां पर प्लस 6H। ये जो एसिडिक मीडियम है ये है SN और SCN, तो ये टोटल रिड्यूस हो जाता है। RNO2 से क्या बन जाएगा, NH2 प्लस इस तरह से ट्राइमरी अमाइन्स और 2H2। ये किसमें चेंज हो गया, अमाइन। यही रिडक्शन से NiH2 से कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं। ओके, तब भी ये क्या बन जाएगा, RNH2 प्लस 2H2। और ये रिडक्शन NiAlH4 से देंगे तो भी बनेगा RNH2 प्लस 2H2। एसिडिक मीडियम में ये वाला है, बाकी ये कैटालिटिक रिडक्शन है, ये भी इसी तरह का कैटालिटिक रिडक्शन है। ओके, एक दूसरा होता है न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम उदासीन माध्यम है, कौन सा है, न्यूट्रल मीडियम। तो यहां पर RNO2 प्लस 4H, और ये होता है ZN और NH4Cl का मीडियम। तो ये चेंज हो जाता है RNHOH+H2, ये है एल्काइल हाइड्रोक्साइड अमाइन। क्या है ये, एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो न्यूट्रल मीडियम में अगर आपको रिडक्शन पूछा गया है तो ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता, इसमें से एक ही ऑक्सीजन रिमूव होगा। एसिडिक मीडियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और ये NO2 को कंप्लीट रिड्यूस कर देता है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रो एल्केन की जगह एल्काइल नाइट्राइड लिया गया हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ध्यान रखें RONO हम इसका रिडक्शन कराएंगे जब H इसी मीडियम में, मतलब है कि जो हमारा रिड्यूसिंग मीडियम जो है, जो आपने लिया है SNSCl और इस तरह से एसिडिक मीडियम में, यहां पर तो H यूज करेंगे तो देखो ये क्या चेंज होगा, मतलब SN और ये है क्या HCl, तो ये चेंज हो जाता है ROH अल्कोहल में, और इसके अलावा अमोनिया और H2 प्लस NH3 प्लस। तो इस तरह से दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसके रिडक्शन से अल्कोहल्स बन रहे हैं, उनके रिडक्शन से अमाइन्स बन रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच था, इसमें ऑक्सीजन है। तो ओके, यहां तक बात समझ गए, इसको हटाओ। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोलिसिस, दूसरी रिएक्शन हम लेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। तो ध्यान से देखो बच्चों, जरा यहां पर जो हाइड्रोलिसिस है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीनों में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट हम लेंगे 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स। तो देखो बच्चों, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स मींस जिसमें आप देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, हम जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये है, ये टू टाइप से, ये नाइट्रो फॉर्म है, ये क्या है बच्चों, नाइट्रो फॉर्म, और इसका एक और फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एसिडिक, ठीक है, एसिडिक फॉर्म OH, ऐसा नहीं, ये एसी फॉर्म है, एसिडिक फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है,
तो हम इस तरह से समझें, मैं हाइड्रोलिसिस को इजी बनाने के लिए आपको ऐसा समझा रहा हूं। तो जब ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, यहां पर 80% H2SO4 का यूज होता है, H2O का एडिशन होगा। तो देखो बच्चों, यहां से समझें आप, ये वाला है, यहां से ये ऐसे हाइड्रोलाइज्ड होगा। कैसे? कि एक ऑक्सीजन हम यहां से ले लें, मैं इसको यहां लिख देता हूं एसिडिक फॉर्म, ठीक है। एक ऑक्सीजन हम ये ले लें और एक हम यहां ऐसा ले लें H2। तो ये ऑक्सीजन और CH, तो क्या बन जाएगा RCOOH, और बचा क्या NH2OH। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो होगा RCOOH प्लस NH2OH। तो कुल मिला के 1 मोल H2O का एडिशन होगा इस प्रोसेस में, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2OH, मींस यहां पर मैंने वही लिख दिया RCOOH प्लस NH2OH। अब ये आर्गोनिक ग्रुप आप रखना चाहें, अगर आप यहां H रखोगे तो फॉर्मिक एसिड, मींस यहां पर R जो है H है तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, R मिथाइल ग्रुप है तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ओके, कि यहां पर ये HCOOH होगा तो यहां पर ये CH3COOH। तो ये है 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन का हाइड्रोलिसिस। आप समझ गए होंगे, आप इसे एसी फॉर्म में ले लें, बहुत इजी समझ जाओगे। ये ऑक्सीजन, एक H2O का ऑक्सीजन ये निकल गया, तो RCOOH और ये NH2OH, ये है 1 डिग्री का। अब देखो 2 डिग्री में आ जाते हैं कि 2 डिग्री में क्या फॉर्मेशन होगा और 3 डिग्री में क्या होगा हाइड्रोलिसिस। तो 2 डिग्री हम ऐसा लें RCH एंड डबल बॉन्ड O, ओके, हम इसे ऐसा लें R2C डबल बॉन्ड N OH और ये क्या है O। इसमें देखो क्या होता है, 2 मोल हम ये लें, तो यहां से ये जो ग्रुप है ये इधर ऐड कर दो, और यहां से इसको ब्रेक कर दो। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है, 2 OH, तो R2C, तो ये बन गया 2 R2C डबल बॉन्ड, क्या बन गया ये कीटो। अब देखो क्या बचा आपके पास, 2 R, 4 R हो गए, 2 कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन, अब आपके पास बचे 2 N और 2 OH। तो यहां पर ये मूव होता है N2O और प्लस क्या H, कैसे रिमूव हो गया, ये बन गया 2 N2O, तो 2 H और एक O बचा, तो यहां पर भी वही H2SO4 की प्रेजेंस है। तो इस तरह से ये किस में चेंज हो जाते हैं, कीटोन्स में। बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम आते हैं, तो ये क्या था 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन, कौन सा था 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन की बात कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन में क्या नहीं होता, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो, ठीक है, अल्फा जो हाइड्रोजन है वो एब्सेंट है, इसीलिए H2SO4 की प्रेजेंस में नो हाइड्रोलिसिस, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि तीनों प्रकार के जो नाइट्रोएल्केन्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, अब हम इसको, अब हम आ जाते हैं तीनों नाइट्रोएल्केन में विक्टिम पेयर रिएक्शन। अब हम हर रिएक्शन में आते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, आपने पढ़ा भी है विक्टिम पेयर रिएक्शन। हम जानते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें डिस्टिंग्विशिंग करनी है, तो हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं जस्ट ऐसा ही, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों नाइट्रोएल्केन्स में डिस्टिंग्विशिंग करनी है तो इस रिएक्शन का यूज होता है। देखो कैसे, हम यहां से लेते हैं RCH2NO2, ये क्या है हमारे पास 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन, या यहां पर ले लो ये है 1 डिग्री ओके नाइट्रोएल्केन, R2CHNO2 डिग्री नाइट्रोएल्केन और R3CNO2, ये क्या है 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन। तीनों में नाइट्रस एसिड से रिएक्शन ले लिया, ओके, तो यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हम इसको ऐसे रिएक्शन लिखेंगे H2O रिमूव हुआ। ध्यान रखें कि
ये NaNO2 plus HCl के फॉर्म में लेते हैं। क्यों? हम जानते हैं नाइट्रस ऐसे डायरेक्ट बना के नहीं रखा जा सकता, तो NaNO2 और HCl की, तो अगर आपसे यहाँ पर लिखा है NaNO2 और HCl से रिएक्शन, तो वही नाइट्रस एसिड से रिएक्शन आपको बतानी है। तो C double bond NOH NO2, ये जो बना इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिक एसिड। फिर इसमें NaOH का एडिशन कराएंगे, बेस है, और ये क्या है? एसिड। तो यहाँ का H और NaOH, ये जो है आप देख रहे हैं कि इसकी रिएक्शन होगी तो बन जाता है RC डबल बॉन्ड ONa, ओके, H और OH ही हट गए और NO, तो ये है सोडियम नाइट्रोलेट, जो कि कैसा होता है? रेड। तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन में नाइट्रस एसिड मींस NaNO2 और HCl मिला, इसके बाद NaOH अगर ऐड करते हैं और रेड कलर आता है तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन को इंडिकेट करता है, उसकी प्रेजेंस को बताता है। यहां पर आ गए HONO, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है सेकेंडरी में, तो R2C N डबल बॉन्ड O NO2, ये क्या बन गया बच्चों? स्यूडो नाइट्रो एल्केन, स्यूडो नाइट्रो, सॉरी, ये है स्यूडो नाइट्रो। बस इसमें जब NaOH मिलाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका फॉर्मूला नहीं दे रखा है, और ये कैसा होता है? तो आप अगर नाइट्रो एल्केन में नाइट्रस एसिड मींस NaNO2 और HCl और फिर NaOH मिलाते हैं, ब्लू कलर आ गया, तो वो सेकेंडरी को बताता है। और यहाँ पर HNO2 और NaOH दोनों ऐड करते हैं तो नो कलर चेंज, ओके। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जो HNO2 से रिएक्शन कर, तो नो कलर चेंज हुआ, इसका मतलब है कि ये कौन से किसको बता रहा है? 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। तो ये है विक्टर मेयर मेथड जिससे हम तीनों नाइट्रो एल्केन में डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं, ओके। अब हम इसको, अब नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाते हैं। देखो मैंने आपको रिडक्शन बता दिया, हाइड्रोलिसिस बता दी, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन बता दी, हैलोजिनेशन में आते हैं। अब किस में आते हैं? हैलोजिनेशन। तो देखो बच्चों, हैलोजिनेशन जो है नाइट्रो एल्केन के, हैलोजिनेशन में जो अल्फा हाइड्रोजन है उनका सब्स्टिट्यूशन हैलोजन से होता है। कैसे होगा कि यहां पर अगर हम 1 डिग्री ले लें, जैसे कि यहां पर CH3NO2 और यहां ले लें आप CH2NaOH की प्रेजेंस में, तो कुल मिलाकर बन जाएगा CCl3NO2 plus 3HCl, HCl और NaOH न्यूट्रल होंगे, तो ये क्या बन गया? क्लोरो पिक्रेन, जो कि आपने देखा था क्लोरोफॉर्म और किसकी रिएक्शन से बनता है? नाइट्रिक एसिड की, वो इस रिएक्शन से बनाया जा सकता है। R2CHNO2 plus Cl2, तो यहां पर भी रिएक्शन हो सकती है, यहां पर ये Cl आ गया NO2 plus HCl, ओके। लेकिन अगर हम यहां पर 3 डिग्री लेते हैं और फिर हैलोजन की रिएक्शन कराते हैं तो नो रिएक्शन। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन थे तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है क्योंकि वो एसिडिक होते हैं और बहुत ही इजी गोइंग सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं। ये था हैलोजन से रिएक्शन। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम आ जाते हैं कंडेंसेशन। एक होती है नाइट्रो कंडेंसेशन, ओके, कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो भी है इस तरह का, इसके साथ रिएक्शन जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, मतलब 1 डिग्री ले सकते हैं 2 डिग्री, तो बेस की प्रेजेंस में NaOH, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसको यहां ऐड करें तो ये है एक नाइट्रो कंडेंसेशन। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? OH, यहां आ जाएगा CH2NO2। इसके बाद यहां तक तो एल्डोल हुआ, एल्डोल एडिशन या एल्डोनाइट नाइट्रो एल्ड, ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड और ओल ना हो, हां एल्डोल, तो नाइट्रो एल्डोल हो गया, नाइट्रो ओल, ठीक है। इसके बाद कंडेंसेशन, तो यहां से ये रिमूव होगा, क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH NO2, ये बन गए हमारे पास नाइट्रो एल्केन,
यहां तक तो हो जाएगी 1 डिग्री के साथ। अगर हम यहां पर 2 डिग्री लेते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो बच्चों, यहां पर R2CHNO2 तो H तो ऐड हो सकता है, मींस यहां पर हमारे पास आ गया CH3HOH और यहां पर है CR2NO2, तो एडिशन तक तो पॉसिबल है सर, बट कंडेंसेशन की बात करें तो नो कंडेंसेशन। यहां पर एडिशन, आपने देखा यह एडिशन हो सकता है और फिर यहां पर क्या है कंडेंसेशन, तो हम यहां पर नाइट्रो ठीक है कंडेंसेशन तो कह सकते हैं, बट यहां पर केवल यहां तक ही चलेगी रिएक्शन, 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहां तक बात समझ गए होगे आप? ओके, तो ये था हैलोजनेशन कंडेंसेशन की बात हो गई। और देखो बच्चों, और कुछ रिएक्शंस जो काम की है इनकी, रिएक्शन विद एलयूएच, रिएक्शन विद NaOH। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है वो अपने टू फॉर्म में रह सकते हैं RCHNOH और ये, और इसके बाद जब भी हम इसमें NaOH मिलाएंगे तो बनेगा RCHNONA और ये, तो समझ गए? तो 1 डिग्री के साथ रिएक्शन होगी NaOH की, 2 डिग्री ले ले, यही स्ट्रक्चर आप इस तरह से इसके टाइटोमेरिज्म है ठीक है, इस तरह से चेक, सॉरी यहां पर ये एक टाइटो फॉर्म में रहता है और NaOH से रिएक्शन, ये इसको चेंज करें तो R2C डबल बॉन्ड NOH, ये O रिएक्शन NaOH से करा दोगे क्या हो जाएगा R2C डबल बॉन्ड AONA और ये, तो यहां पर भी रिएक्शन, तो 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ, 3 डिग्री की बात करें तो R3CNO2, यहां पर NaOH लेंगे नो रिएक्शन, समझ गए? तो 1 डिग्री के साथ NaOH की रिएक्शन होगी, क्यों? क्योंकि ये एसिडिक फॉर्म में आ सकता है, 2 डिग्री के साथ हो सकती है, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है यही हाइड्रोजन टाइटोमेरिज्म शो करते हैं और इसके कारण ये एसिडिक नेचर में होते हैं और NaOH के साथ रिएक्शन होती है। अब हम आ जाते हैं, लेकिन 3 डिग्री के साथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जस्ट ऐसा ही रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देख सकते हैं, R CH2NO2 R2 CH NO2। अभी आपको मैंने बताया कि एसिडिक फॉर्म में होते हैं इस तरह से, ये भी एसिडिक फॉर्म में हो सकता है C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर अगर आप CH3MgBr यूज करें, यहां पर CH3MgBr यूज करें तो ये H एसिडिक है और ये रिमूव होगा, तो यहाँ पर तो बन जाएगा CH4। ध्यान रखें जो एल्काइल ग्रुप आएगा यहाँ पर वही RH के फॉर्म में चेंज होता है, मींस अगर आप यहाँ पर CH3 C2H5 रखेंगे तो इथेन बन जाएगा, मीथेन बन गया जब CH3 यूज किया, तो ये प्रॉपर्टी जो शो कर रही है कि जो ये होते हैं नाइट्रो एल्केन, समझिए ना बच्चों, वो एसिडिक नेचर के हैं 1 डिग्री होने पर, 2 डिग्री होने पर, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा CH4 प्लस R2C डबल बॉन्ड NOMGBr और ये है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, यहां पर 3 डिग्री के साथ नहीं हो सकती ये रिएक्शन MgBr की, इसको नहीं हो सकती, बता सकते हो आप? ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इस तरह से। तो 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन्स बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो यहां तक बात समझ गए होगे कि नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन में। देखो बच्चों, आपने देखा होगा एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन में एक मेथड आती है नेफ रिएक्शन, समझ गए ना? कौन सी रिएक्शन? नेफ रिएक्शन। ये यहां पर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनकी प्रिपरेशन में यूज होती है ये नेफ रिएक्शन। तो देखो 1 डिग्री हम ले लेते हैं R CH2N डबल बॉन्ड O, ये हम जानते हैं, फिर हम इसको एसिडिक फॉर्म में लेंगे, बहुत ही जी समझ में आ जाएगी आपको ये रिएक्शन, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ OH, ये फिर इसकी रिएक्शन NaOH से होती है,
तो ये बन जाएगा सी एच एन ओ एन ए और यहां पर है ये। इसके बाद इसकी रिएक्शन कराई जाती है H2O से और H2SO4 की वजह से, यहां से ये डिग्री चेंज हो जाता है और CHO। अब देखो आपके पास और क्या बचा इस रिएक्शन में, अच्छी तरह से आप क्लियर करें। तो देखो यहां पर आपने लिया RCHO, ओके, और यहां 2 मोल ले लिया, यहां से 2 मोल से तो यहां तक हो गए। अब यहां पर बचा आपके पास 2 नाइट्रोजन, तो ये चेंज हो जाता है N2O, ओके। यहां से ध्यान से देखें कि ये जो ऑक्सीजन है ये इधर एंटर है, ये हो गया RCHO, नाइट्रोजन 2 है N2O। अब आपके पास क्या बचा N2O हो गया, यहां बचे 2 Na, कितने Na हो गए, 2 Na और 2 O, तो यहां पर ये चेंज हो जाता है NaHSO4, 2 O, एक और दो एच मींस कुल मिलाकर 2H2SO4 और यहां से अगर आप देखें तो एक ऑक्सीजन और बचा और वो चेंज हो जाएगा H2। फिर से देखो दो यहां पर H2 तो आप भूल जाए हटा दो, RCH2 ये दो ऑक्सीजन और दो RCH2 ये हो गया, दो नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन दो सोडियम, तो दो ऑक्सीजन में से N2 दो नाइट सोडियम बचे आपके पास तो दो NaHSO4। अब यहां पर एक ऑक्सीजन और बचा था उसको हमने किस फॉर्म में निकाल दिया H2O, क्यों, क्योंकि इसके दो H ऐसे निकल गए, ओके। तो जब आप ले रहे हैं क्या 1 डिग्री तो बनते हैं क्या एल्डिहाइड्स। अब यहां पर हम 2 डिग्री ले, सपोज यहां पर हमारे पास ये है तो यहां हम जानते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, एनिवर्स रिएक्शन कराओगे तो यहां पर आर आ जाएगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो बस इसी तरह से आगे की रिएक्शन हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा R R डबल बॉन्ड O मींस कीटोन प्लस वही रिएक्शन है। तो जब आप 2 डिग्री लेते हैं तो बनते हैं आपके पास कीटोन, और जब 1 डिग्री तो इस तरह से आपने देखा RCH2NO2 NaOH और H2SO4, तो बना RCHO और R2CH NO2, NaOH, H2SO4, R2CO। तो ये है नेफ रिएक्शन जिससे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, तो इनको नोट करें। अब देखो बच्चों एक रिएक्शन और बता दूं मैं, नाइट्रोएल्केन का थर्मल डिकम्पोजिशन। तो नाइट्रोएल्केन 1 डिग्री लिए जाए और टेम्परेचर 300 डिग्री से ज्यादा हो और धीरे धीरे हीटेड किया जाए तो ये एल्कीन में चेंज हो जाते हैं, समझ गए ना, और HNO2 रिमूव हो गया, मींस एक H और NO2 यहां से रिमूव हो गया और एल्कीन। लेकिन अगर आप कोई छोटा नाइट्रोएल्केन और बहुत ही रैपिडली हीट करें बहुत तेजी से तो ये एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, उस तरह से इनका डिकम्पोजिशन होता है, समझ गए ना, इस तरह से ये डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। तो ये है इनका थर्मल डिकम्पोजिशन। अब मैं यहां पर एक मेंबर और बता दूं, एल्काइल नाइट्राइट के बारे में मैंने आपको बताया, यहां पर एथाइल नाइट्राइट के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में ले लेते हैं, इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज आते रहते हैं क्वेश्चन, इनको एक बार देख लेना। तो सबसे पहले प्रिपरेशन की बात, समझ गए, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर प्रिपरेशन एक तो इथाइल क्लोराइड एल्काइल हैलाइड के, अभी मैंने आपको रिएक्शन बताया कि KNO2 से करा दें तो इथाइल नाइट्राइड बन जाएगा, अल्कोहल की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दें तो भी इथाइल नाइट्राइड बन जाएगा, अल्कोहल की N2O3 से रिएक्शन कराते हैं, ओके, तो हमारे पास इथाइल नाइट्राइड इस तरह से मिलता है। तो ये रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ इथाइल नाइट्राइड। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में इथाइल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो अल्कोहल में चेंज होता है, जबकि आपने उसमें देखा था या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन्स में चेंज होते हैं जबकि ये अल्कोहल से। रिडक्शन में आ जाओ, अगर एसिडिक मीडियम में रिडक्शन होता है तो ये अल्कोहल में प्लस NH3 प्लस H2 कंप्लीट, जबकि उसमें अमाइंस बन रहे थे, न्यूट्रल मीडियम में ले लें तो भी ये अल्कोहल में चेंज होते हैं। यहां तक समझ गए। एथाइल नाइट्राइड का जो यूज है, इसका जो उपयोग है बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा में होता है, हार्ट डिसीजेस में होता है,
ठीक है, इसका 4% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ये कहलाता है, इज कॉल्ड स्वीट स्प्रिट ऑफ नाइटर। इसका यूज होता है डायूरेटिक्स, मींस यूरिनरी इंफेक्शन में इनसे रिलेटेड जो डिसीजेस होती हैं उनमें यूज होता है। यहां तक हमने देखा नाइट्रो एल्केन्स प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, अभी इसी में बचा हुआ है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, एक तो नाइट्रोबेंजीन के बारे में लेना है हमें और यूरिया के बारे में, तब जाके हमारा फंक्शनल कंपाउंड वाला चैप्टर फिनिश होगा। ओके, तो हम उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बच्चों। ओके, आप इसे अच्छी तरह से देखें समझें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।